फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुलेखा, आज मैं आपको ये मोती वाला तोरण बताने जा रही हूँ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे बनाना और भी आसान है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप कोई भी बॉर्डर पट्टी ले सकते हैं, और मैंने ऊन में पहले से ही 300 मोती पिरो के रखी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बॉर्डर की पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से हमें ये तीन डबल क्रोशिया हमें बनानी है चार टाइम। ये देखिए, एक दो तीन चार, चार टाइम हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद फिर हमने 20 से 25 चैन लिया है, इसमें अब हम मोती को ऐड करेंगे। इसके लिए हमें सुई की सहायता लेनी है। इस धागे को हम सुई में डालेंगे। ये 18 मोती इसमें हमें ऐड करनी है, 18 मोती। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 18 मोती ऐड कर लिया है। इसके बाद फिर हमें बीच में, इसके बाद हमें 5 लाइन का गैप देना है। एक दो तीन चार पाँच, 5 लाइन का गैप देके छठे लाइन पर हमें फिर से ये तीन डबल क्रोशिया चार टाइम बनाना है। ये देखिए मैंने तीन डबल क्रोशिया चार टाइम बना लिया है। फिर हमें 20 से 25 चैन लेनी है, और फिर मोती हमें इसमें ऐड करनी है 20 से 25 चैन लेके। फिर हमें सुई की सहायता से फिर इसमें हमें 18 मोती ऐड करनी है। देखिए, ये देखिए मैंने 18 मोती ऐड कर लिया है। इसके बाद फिर हमें 5 लाइन का फिर गैप देना है। एक दो तीन चार पाँच, 5 लाइन का गैप देके फिर हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है, तीन डबल क्रोशिया चार टाइम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह हमें बनानी है। पहले हमने तीन डबल क्रोशिया लेके चार टाइम बनाया है, ये देखिए। फिर 18 मोती हमने ऐड किया, 20 से 25 चैन लिया है, फिर 5 लाइन का गैप दिया है बीच में, फिर तीन डबल क्रोशिया चार टाइम बनाया, फिर 20 से 25 चैन लिया, 18 मोती ऐड किया, बीच में हमने 5 लाइन का गैप दिया। इसी प्रोसेस को हमें 5 बार करना है, एक दो तीन चार और ये 5, हमें 5 बार इस तरह करना है। फिर हमें इसे टर्न कर, इसे हमने टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद फिर हमें धागे को तोड़ना नहीं है, यहीं से हमें यह टर्न करना है। फिर यहाँ पर हमें तीन चैन बनाना है, और फिर इसके बीच हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाना है। हमने नीचे चार टाइम तीन डबल क्रोशिया बनाया था, ऊपर हमें तीन टाइम तीन डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तीन टाइम तीन डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर हमें यहाँ पे 10 से 15 चैन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीन डबल क्रोशिया तीन टाइम बनाया, फिर 9 मोती को ऐड किया है। फिर हमें ये जो हमने 18 मोती लिया था उसके बीचों बीच, मतलब 9 मोती के बीचों बीच हमें तीन डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ये देखिए, एक दो तीन। इसके बाद फिर हमें
10 से 15 चैन लेनी है, फिर 9 मोती ऐड करनी है, फिर हमें फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 3 टाइम बनाना है, 1 2 3। इसी प्रोसेस को हम ये पूरे यहाँ तक हमें इस प्रोसेस को दोहरानी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह बनेगा ये। इसके बाद फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया 3 टाइम, फिर हमें 10 से 15 चैन लेनी है, फिर वही हमें 18 मोती के बीच में 9 मोती के बीच में हमें ये 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे एंड तक। देखिए फ्रेंड्स हमने 10 से 15 चैन लिया, फिर 9 मोती ऐड किया, फिर हमने 9 मोती को बीचों बीच हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए फ्रेंड्स ये लाइन अब कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी लाइन, अब हम तीसरी लाइन शुरू करेंगे। दूसरी लाइन में हमने क्या किया था, 3 डबल क्रोशिया 3 टाइम बुना था, फिर 9 मोती लिया था, फिर नीचे वाले 18 मोती के 9 मोती के बीचों बीच हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 10 से 12 चैन लिया, फिर 3 डबल क्रोशिया 3 टाइम बनाया। इसी प्रोसेस को हमने एंड तक किया। उसके बाद फिर हम इसे टर्न करेंगे, फिर तीसरी लाइन शुरू करेंगे। हमने इसे टर्न कर लिया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 टाइम, 3 डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स मैंने 3 डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाया है। इसके बाद फिर हम 10 से 15 चैन लेंगे, उसमें फिर 9 मोती ऐड करेंगे। हमने 9 मोती ऐड कर लिया है, 10 से 15 चैन लिया, 9 मोती ऐड किया। उसके बाद फिर हमें ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था ये उसके साइड में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों किनारा पर। ये देखिए फ्रेंड्स 1 2 ये 3। इसके बाद फिर हम इसकी दूसरी साइड पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाया था, फिर 10 से 15 चैन लिया, फिर 9 मोती ऐड किया। उसके बाद फिर हमने ये जो 3 डबल क्रोशिया नीचे हमने जो बनाया था उसकी दोनों साइड पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए 1 ये 2। फिर हम 10 से 12 चैन लेंगे, उसके बाद फिर उसमें 9 मोती ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 2 टाइम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी प्रोसेस को हमें पूरे एंड तक हमें रिपीट करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 टाइम 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 10 से 15 चैन लिया, फिर 9 मोती ऐड किए। उसके बाद फिर हमें ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था इसी के दोनों साइड हमें 3 डबल क्रोशिया 2 टाइम बनानी है दोनों के साइड साइड, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। ये देखिए इसी तरह हमें उसमें भी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह हमें ये पूरे एंड तक रिपीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये लाइन हमने तीसरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें चौथी लाइन बनानी है। यहाँ से फिर हमें टर्न लेना है। यहाँ से हमने टर्न लिया है, फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 टाइम बनाना है। हमने टर्न ले लिया है, टर्न लेने के फिर हमें यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 टाइम ही बनाना है 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर हमें 10 से 12 चैन लेना है, फिर हमें 9 मोती ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद फिर 10 से 15 चैन लिया, फिर मैंने 9 मोती ऐड किया है। इसके बाद फिर हमें ये जो हमने 2 टाइम 3 डबल क्रोशिया बनाया था अब हमें यहाँ 3 टाइम 3 क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाना है, साइड साइड बनाना है 3 और फिर एक बीच में बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 टाइम 3 डबल क्रोशिया बनाया, दो साइड में बनाया है, एक बीच में बनाया है। इसके बाद फिर हम 10 से 15 चैन लेंगे, फिर 9 मोती हम ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया 1 टाइम बनाना है, और फिर हमें 10 से 15 चैन लेके फिर 9 मोती ऐड करना है, और फिर 3 टाइम 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रोसेस को हमें पूरे एंड तक रिपीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 टाइम 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने 10 से 15 चैन लेके फिर 9 मोती ऐड किया है, फिर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया 1 टाइम, फिर मैंने
10 से 15 चैन लिया, फिर 9 मोती ऐड किया, फिर मैंने 3 डबल क्रोशे 3 टाइम बनाया है। इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चौथी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह हमें ये बनाना है। ये देखिए पहला फूल हमारा बन गया है, पहला डिजाइन। दूसरी डिजाइन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि दूसरे फूल हमें कैसे बनाने हैं। यहाँ पर हमें धागे को कट कर देना है। धागे कट करके फिर हमें यहाँ से दूसरी फूल बनानी शुरू करनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे चार बना है, 1 2 3 4। जब दूसरी फूल मैं बनाऊंगी तो यहाँ पर 3 बनेंगे, 1 2 3। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये हमें कैसे बनाना है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।